जम्मू कश्मीर पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था। भारत बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और कैट का समर्थन मिला। वहीं कई स्थानों पर इसका मिला जुला असर रहा और कहा गया था कि दोपहर 1 बजे तक सोमवार 18 फरवरी को दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में सोमवार 18 फरवरी को भारत बंद के लिए संयुक्त रूप से सभी व्यापारियों से इस बंद को समर्थन देने का आह्वान किया गया था, जिसके तहत दोपहर 1 बजे रायपुर घड़ी चौक के पास मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, जिसके बाद व्यापारी दुकान खोलेंगे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने बताया कि पुलवामा आतंकी घटना में शहीद हुए जवानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान शहीद के परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश सहित रायपुर छत्तीसगढ़ में भी रोष का माहौल व्याप्त था, जिसके तहत कई प्रमुख स्थानों में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए, जो पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ है, उससे आम जनता, व्यापारी और देश के सभी नागरिकों में बहुत आक्रोश है। उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ऑल इंडिया लेवल पर व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया था और आज उसी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम उनको श्रद्धांजलि के अलावा दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन दिल से हम चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवारों को अपना ये सहने की शक्ति दे। इन्हीं के आशाओं के साथ और इसी श्रद्धांजलि के साथ हम लोगों ने ये बंद रखा हुआ है और हम ये भी चाहेंगे कि इस आक्रोश में कि जो केंद्र की सरकार है, जिन्होंने कहा था कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो आज उस 56 इंच के सीने को दिखाने का अवसर है। अगर आज नहीं दिखा सकते तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ ये राजनीतिक है और हमारे जो सैनिक है वो बेचारे मर रहे हैं और ये अपनी राजनीतिक लड़ाई राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमियों में इसी बात के लिए कि बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हम पुनः उन अपना सैनिकों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार इसको लेकर के कुछ नहीं कुछ करेगी? देखिए, केंद्र सरकार क्या कहेगी इसमें मैं नहीं कह सकता। जब उन्होंने अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक के बाद आपने अपना सब ने एक मत से आपको समर्थन की बात की, ये तो छोड़िए, अभी समर्थन आपके पास पूरे मेजॉरिटी थी। आपने वादा किया था 370 हटाएंगे, आपने क्यों नहीं हटाया? आपने वो जो 6 अपना और भी अपना कश्मीर के लोग हैं, आज उनके ऊपर से आप अपना सुरक्षा व्यवस्था डाल रहे हैं। इतने साल आप क्या उनसे संबंध बना के रखे थे? इन सवालों का जवाब आज आम जनता जानना चाहती है। अभी एक और सेना का जो कैप्टन तो भी जी हाँ, आज एक सेना के और बम ब्लास्ट में ख़त्म हुए हैं, हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारा बहुत दुख का विषय है कि हमारे जो अपना, आज मैंने पेपरों में भी पढ़ा कि हमें जानकारी मिली थी, तो जब मिली थी तो क्यों नहीं किया? एक बात और सामने हमें आई कि इनसे कहा गया था कि वायुयान से इन जितने भी सैनिक हैं इनको वहाँ से वहाँ पहुँचाया जाए। एक नेता के लिए तो आप अपना जेट प्लेन और सब प्लेन लगा देते हैं, क्या हमारे देश के सैनिकों के लिए इतनी भी व्यवस्था नहीं दे सकते कि उनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए जहाज दिया जा सके? इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। For more information, log on to www.clips.in.